ये मैनेजर का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? डील कैंसिल हो गई तो मैं फंड्स कहाँ से लाऊंगी? यस मिस्टर सिंह, बोलिए। मैम, एक बुरी खबर है। स्विट्जरलैंड की पार्टी ने डील कैंसिल कर दी है। क्या? लेकिन मिस्टर सिंह, हमने तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की थी। ऐसी बात नहीं है मैम, मैंने मिस्टर तलवार को पहले ही समझाया था कि वो लोग इस फैमिली के थ्रू इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते थे। इंडियन संस्कार, फैमिली वैल्यूज, जॉइंट फैमिली, जहाँ पर बड़े छोटे साथ साथ रहते हैं और छोटे किस तरह से बड़ों की इज्जत सम्मान करते हैं। पर उन्होंने जो आपके घर पे देखा, उसे देखकर वो बहुत ही शॉक्ड हो गए। आपकी भाभी ने जो कहा आपके बारे में, उसे सुनकर उन्होंने फैसला किया कि वो आपके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। सॉरी मैम, ये डील अब नहीं हो सकती। लेकिन जल्दी फिनिश करो पीहू, फिर हमें आपके कल के प्रोजेक्ट के लिए भी पढ़ना है। चलो, अभी तो हो गया। नहीं, टू मोर लाइंस, कम ऑन, फिनिश फास्ट। फिनिश। अच्छा, इट्स ओके, ला दो। ये हो गया, अब क्या करें भाई? आपका प्रोजेक्ट तैयार करना है ना, आपको कोई स्टोरी पढ़नी है ना। कौन सी स्टोरी पढ़े हम पीहू? मम्मा, हम घर कब जाएंगे? जाएंगे बेबी, बस थोड़ी देर और। हाँ पापा, थोड़ा सा काम और कर ले। हाँ मेरा बच्चा, कम। पापा, हम घर कब जाएंगे? एक्चुअली देर तो वाकई हो गई है मिस्टर कपूर, अब चलिए ना घर, बाकी काम कल कर लीजिएगा। एक काम करता हूँ रॉकस्टार, बस 5 मिनट और। हाँ, थोड़ा सा काम खत्म करना, 5 मिनट में घर जाके सोएंगे। ओके, थैंक यू डार्लिंग। ओके, कौन सी स्टोरी पढ़ूं, जल्दी बताओ। सौम्या, तुम और तुम्हारे ये जो दो एक्स्ट्रा बैगेज है ना, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। व्हाट? सुना नहीं तुमने? फिर से बोलूं, अभी के अभी इस घर से निकल जाओ तुम सब। बट आयशा, व्हाट आयशा? तुमने ही कहा था ना कि मैं झूठी हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। ओके, झूठी हूँ मैं तो, अच्छी बहू हूँ ही नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छी बहू तो तुम हो ना, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ अपने आप को आइडियल बहू प्रूफ करने का। सब लोगों को लेके यहाँ से जाओ और इन्हें अपने बलबूते पर पालो, ठीक है? यहाँ से ना तुम्हें एक कौड़ी की भी भीख नहीं मिलेगी। इन्हें खिलाओ पिलाओ या सड़क पे भूखे मरने दो, आई डोंट केयर। आयशा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? आधी रात को मैं मां और दादी को कहां लेके जाऊंगा? ऊपर से दोनों की तबीयत भी ठीक नहीं है। सो आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम, तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ। यू आर रियली सिक आयशा, तुम में थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। ओ शट अप ऋषभ, तुम्हारे ये टैग्स ना बहुत पुराने हो चुके हैं और इनका अब मुझ पर कोई असर नहीं है। तुम्हारी बीवी सही तो कहती है, मैं किसी की केयर नहीं करती, तो फिर अब तुम क्यों इतना शौक हो रहे हो? और वैसे भी बहुत हो गई इंसानियत, तुम्हारा कोटा खत्म हो चुका है। राम के यहाँ ना होने के बावजूद भी इतने दिन तक तुम लोगों को यहाँ पे रहने दिया, बहुत हो गई चैरिटी। अब अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। ललित, राजेश जी, मैडम, इन लोगों का जितना भी सामान है फटाफट पैक करके नीचे लेके आओ। एक बार मैं सुनाई नहीं देता तुम्हें, कुछ बोला है मैंने? जाओ जल्दी। आयशा, आयशा तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती हूँ? कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? सौम्या, शायद तुम भूल रही हो कि ये घर मेरा है और यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहती। लेकिन माँ और दादी के बारे में तो सोचो। क्यों सोचूं? तुमने सोचा था सौम्या, जब मैं बोल रही थी कि सौम्या चुप हो जाओ, सौम्या चुप हो जाओ, सौम्या चुप हो जाओ, तुम चुप हुई? नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी बिजनेस डील कैंसिल हो गई और अब तुम्हारी गलतियों का भुगतान इन सबको करना पड़ेगा। Each one of you will have to suffer. आ गया सारा सामान, जाओ अपना काम करो।
सामान उठाओ। आयशा, जो तुम माँ और दादी के साथ कर रही हो ना, वो ठीक नहीं कर रही हो। You will have to pay for this. Pay for this? और कितना pay for this? सारे payments अभी मैं ही कर रही हूँ। I am bearing all your expenses. आपके कपड़े, आपके खाना, सब payment मैं कर रही हूँ। एक जन्म के लिए इतना pay करना काफी है। Out of the house. जा रहे हो या गार्ड्स को बुलाऊं? आउट। नहीं नहीं सौम्या से बात कराओ। वो तो चली गई दीदी जी। ओ, घर पे ही नहीं है तो दादी या माँ से बात करवा दो। घर में कोई भी नहीं दीदी जी, सब लोग घर छोड़ के चले गए। क्या? मैं सच कह रहा हूँ दीदी जी। दादी, माँ, I'm really very sorry. मुझे आयशा के सामने मुंह बंद रखना चाहिए था। अगर मैं उसके सामने नहीं बोलती तो आज हम यहाँ नहीं होते। आज मेरी वजह से इतनी रात को हम सब सड़क पर आ गए। ना पुत्र ना, तू अपने आप नू नहीं कोस। तू हमारे लिए तू आयशा से लड़ी थी ना, फिर तू क्यों चिंता करती है? एक दरवाजा बंद हुआ है, दूसरा खुल जाएगा ना। अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम क्या करेंगे? मैं सोचता हूँ। नत, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज गाड़ी में बैठ। अब लेकिन ना प्लीज सौम्या, मुझे और कोई बहस नहीं करनी। और वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। इतना सब कुछ होकर तुम मुझे बता नहीं सकती थी? वो हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। परेशान? सीरियसली सौम्या, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम शेयर करने में मुझे परेशानी होगी? जब मैं तुमसे बातें शेयर करती हूँ तुम्हें परेशानी होती है? आई एम सॉरी ना, लेकिन इनफ सौम्या, प्लीज आप सब गाड़ी में बैठी, हम घर चल के बात करें। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय, अदरक और तुलसी डाल के बनाई है, आपकी थकान उतर जाएगी। लीजिए लीजिए। तकलीफ कर रहे हैं आप, सच बहुत तकलीफ दे रहे हैं आप। इसमें तकलीफ की क्या बात है कृष्णा जी, आप भी सच लो बेटा। नहीं मुझे नहीं। बैठो ऋषभ। ये लो बेटा, लो चाय लो। तो कृष्णा जी और दादी जी जो हैं वो प्रिया के रूम में रुक जाएंगे, ठीक है? हाँ, और तुम दोनों मेरे कमरे में। सिंपल। नहीं, तुम्हारे रूम में क्यों, हम दोनों हॉल में सो जाएंगे। डोंट बी सिली सौम्या, कार्तिक अभी है नहीं, हम तीनों आराम से रूम शेयर कर सकते, क्या प्रॉब्लम है? अंकल जी, आज रात की बात है, कल हम यहाँ नहीं रुकेंगे। अरे ऋषभ, कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम मेरे बेटे की तरह हो
और हम सब एक ही परिवार के लोग बाग हैं, आपका घर है, जब तक मर्जी आए आप लोग रुक सकते हैं, इसमें क्या? पर सबको कितनी परेशानी होगी, काम भी तो बढ़ जाएगा। इसमें परेशान होने की क्या बात है बेटा, इतने सारे लोग हैं तो उतने हाथ भी है ना, हम सब मिलजुल के काम कर लेंगे। ठीक है ठीक है, तो अब से खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। आंटी अब बड़ी है तो आप अब आराम कीजिएगा। नताशा पुत्र, जरा अपने सास ससुर को समझा, ये अच्छी बात नहीं है पुत्र। दादी मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, यही ना कि आपकी बेटी का ससुराल है और आप लोग यहाँ रह नहीं सकते वगैरह वगैरह। एक बात बताओ मैं आपको दादी, ये मेरा अपना घर है, मैं इस घर की बहू नहीं इस घर की बेटी हूँ। आप मेरे घर में रह सकते हैं है ना? शिप्रा जी आपका शुक्रिया हम कैसे अदा करेंगे, कुछ समझ में नहीं आता। माँ भाई को पता है इस बारे में? ना ना, मेरे गोलू पुत्र को बिल्कुल कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ये तो बेचारा चिंता के मारे सब काम का छोड़कर भागा भागा इधर चला आएगा हमारे पास। हाँ नताशा बीजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस वक्त उसकी जरूरत जयपुर में है, उन दोनों को हमारी तरफ से कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। उसे बताया था उसका ये काम हो जाएगा तो हम सबकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। मैं अभी आती हूँ, आप लोगों के सोने का इंतजाम करती हूँ। मम्मी जी हाँ? थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच, आपने और पापा ने इतनी अच्छी तरह से मेरी फैमिली को वेलकम किया। तुम्हारी फैमिली? सिर्फ तुम्हारी फैमिली? अभी तुम उन्हें क्या समझा रही थी कि तुम हमारी बेटी हो ना, तो फिर हमारी फैमिली हुई ना। नताशा बेटा इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम इनके लिए कुछ करें। और वैसे भी मेरी दोनों बेटियों के ससुराल वाले हैं वो, और नहीं तो कम से कम आयशा की गलतियों का प्रायश्चित पूरी जिंदगी उनकी सेवा करके कर सकती हूँ। मम्मी जी प्लीज, आयशा की गलतियों के लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? सब कुछ ठीक हो जाए, एवरीथिंग विल बी फाइन। सौम्या नताशा, अरे जल्दी बाहर आओ, आई हैव अ गुड न्यूज, मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। अरे वाह ऋषभ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या सोच रहे हैं? कल के बारे में तो सोच रहा हूँ यार, कल के बाद हमारी सारी जिंदगी बदलने वाली है, जस्ट कांट वेट। बाद में सोचेगा, अभी सो जाइए। आज नींद कहाँ से आने वाली है? सोना तो पड़ेगा ना मिस्टर कपूर, आपको आराम की सख्त जरूरत है, इतनी मेहनत की है आपने, आज आराम से सो जाइए, कल की कल देखेंगे। कम ऑन, लाइए मैं आपका सर दबा। सो जाइए ना मिस्टर कपूर, आपके इस तरह यहाँ रात भर खड़े रहने से सुबह जल्दी नहीं आ जाएगी। नींद कैसे आएगी आज मुझे यार, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वक्त रुक गया है, कल आ ही नहीं रहा है।
आप आंखें बंद करके लेट जाइए, नींद भी आ जाएगी और कल भी आ जाएगा। और देखिएगा, इस बार जो कल आएगा ना, बहुत खूबसूरत होगा, बहुत अच्छा होगा। कल हमारी सारी परेशानियां दूर होने वाली। It's going to be a beautiful tomorrow. मैंने सारा सामान फैक्ट्री कर दिया, मुझे फैक्ट्री जाना होगा। मिस्टर कपूर, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.